नमस्कार दोस्तों, चौहान पोस्ट में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं माता चामुंडा देवी जी के मंदिर, जो कि कटरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर जाकर हम माता के दर्शन करेंगे। और साथ में जो मैं पता लगा है कि वहां पे पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर है, तो उनके भी दर्शन करेंगे और दोनों से आशीर्वाद लेंगे, और साथ में आपको भी उनके दर्शन कराएंगे। और वहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे भेंट करेंगे और वहाँ के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए चामुंडा देवी जी के मंदिर चलें। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं चामुंडा देवी जी के मंदिर, जो कि कटरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये उसका एंट्रेंस है। अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर हम माता के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और पुजारी जी से इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अभी हम अंदर चलते हैं और ये पुजारी जी से हम मिल चुके हैं और वो हमें मंदिर पे लेके जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। आइए मंदिर के बारे में जाने, माता के दर्शन करें। और इस समय आप जो चामुंडा माता जी के समय आप घर में आ गए हैं, जो प्रथम दर्शन हर श्रद्धालु का माँ के चरणों से शुरू होता है, जो माता रुद्र रूप में विराजमान त्रिनेत्र धारी अर्ध चंद्रमा माथे के ऊपर 10 भुजा धारी शेर के ऊपर विराजमान साथ में अश्वधारी काली माता इनके साथ में, जिनकी जीवा बिल्कुल अंदर जो जिनका दर्शन कर रहे हैं, और इनके साथ में देवी माता सरस्वती। पूर्व दिशा पहाड़ों से सूर्य देव निकलते हैं माता वैष्णो माता जी के सामने ऊपर पहाड़ों से, तो सीधा जो उनकी विशेष है जो माँ के चरणों में देते हैं, और माँ की नजर के सामने ऊपर वैष्णो माता, नीचे चामुंडा माता, और सच्ची निष्ठा श्रद्धा भाव लेके जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं ऊपर वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, और चामुंडा माता जी का जो दर्शन जो पा रहे हैं, जो सच्ची निष्ठा श्रद्धा भाव से जो मांगते हैं माँ मुरादें पूर्ण करती हैं। और भक्त दोबारा फिर से आते हैं कटरा से लगभग कोई 4 किलोमीटर ये चामुंडा माता जी का धाम, ये माता जी का वो रूप है जिस रूप में अंत समय भैरव नाथ जी का माता जी ने वध किया था, और जिस रूप में माता जी ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की, पूरे त्रिलोक की रक्षा की, और जिस रूप में माता रानी इस जगह के ऊपर विराजमान होके हर भक्त का माता रानी जो कल्याण करती आ रही है, मनोकामना पूर्ण करती आ रही है, जो भक्त के मन में आस्था श्रद्धा होती है माता को ही स्वीकार करती है, उसी में माँ भगवती आप भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा माँ शेरा वाली दा, और साचे दरबार की जय हो माता रानी दिया करो। अभी हम जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, वहाँ जाकर उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और पंडित जी से उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए पंडित जी से उसके बारे में जानते हैं। और इस समय पंचमुखी जो बाबा जी के, बालाजी हनुमान जी के जो शरण में आ गए हैं, जो हमारे जो ये दरबार जो दक्षिण की ओर मुख करके जो प्रभु जी को विराजमान जो है इस जगह के स्थान के ऊपर, और प्रभु जी सदा सदा सुख शांति प्रदान दें, हर भक्त का कल्याण करें, मार्गदर्शन करें, जो हमारे चामुंडा धाम धाम में पंचमुखी दक्षिणमुखी बालाजी का जो आपने दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त किया, प्रभु सदा सुख शांति। पुरोसियावती रामचंद्र भगवान की जय हो, जय माता दी। अभी हम जा रहे हैं गोगा बाबा जी के मंदिर, थोड़ा आंगन में से क्रॉस होना पड़ता है, और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ये काफ़ी ओपन एरिया मिलता है। सामने आप देख सकते हैं बाबा गोगा देव जी का मंदिर, और ये है बाबा गोगा देव जी का स्थान, यहाँ पर वो बैठ के अपनी पूजा पाठ किया करते थे। इस स्थान के बारे में भी हम पंडित जी से विस्तार में जानेंगे, और इसकी क्या कथा है, क्या प्रथा है, क्या प्रचलन है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, इसके बारे में भी हम पंडित जी से विस्तार में जानते हैं। माता दी, इस समय आप गोगा बाबा जी के जो शरण में आए हैं, और ये प्राचीन स्थान के बाबा गोगा देव बाबा जी का सामने जिनका आप दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहे हैं, सामने बड़ा चांदी का शक्कर मोती की माला, ब्राज की माला, दो नाग देवता गोगा बाबा जी, साथ में शेषनाग जिनकी छत्रछाया में खड़े हैं, और इनके साथ महागायत्री जी हैं, महालक्ष्मी, महाचंडी और अष्टकुली नाग देवता। ये कटरा से कोई लगभग कोई 3-4 किलोमीटर शिवखोड़ी मार्ग में ये पहला धाम, ये पूरा मुख्य दरबार माँ चामुंडा माँ के नाम से ये जाना जाता है। जो प्रथम दर्शन जो हमारे इस दरबार का चामुंडा माता जी के जो हर यात्री श्रद्धालु को जो होता है, जहाँ चामुंडा माता जी के दर्शन करने के बाद फिर महागौरी, पंचमुखी, हनुमान, फिर लास्ट में ये बाबा जी के चरण में ये भक्तों का ये दर्शन जो समाप्त होता है गोगा बाबा जी के जो शरण में, जहाँ बाबा वासुकी नाग देवता जो इनका जो कुंड देख रहे हैं,
जहाँ पिंडी रूप में विराजमान, जैसे ये ऊपर इनके ऊपर जो निकले हुए हैं ये दतूरा, जैसे अंजीर देख रहे हैं, ये मोती, ये अश्वगंधा, कई आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों में जो दवाइयों में जो पड़ता है, जैसे तुलसी माता, रात की रानी, बुद्ध देवता, आगे ये विश्वा, ये देख रहे हैं ये बुद्ध देवता, ये विश्वा, ये आगे शनि देवता जिनका देख रहे हैं, ये बीच में छोटा सा शनि देवता, जैसे ये अनार, सब ये आप शंभु, ये प्राकृति जो निकले हुए हैं ये किसी ने लगवाए नहीं, और साक्षात जो भगवती जो इस जगह के ऊपर विराजमान, सामने चामुंडा माता और ऊपर सामने माता वैष्णो देवी जी का दरबार और नीचे चामुंडा माता, ये पूरा मुखिया दरबार चामुंडा माँ के नाम से जाना जाता है। और सच्ची निष्ठा श्रद्धा भाव लेके भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, मन ही मन जो मुरादे मांगते हैं माँ मुरादे पूर्ण करती हैं। दोबारा फिर भक्त आते हैं, ये कटरा से लगभग कोई 3-4 किलोमीटर जे चरणों में शीश झुका के आशीर्वाद जो प्राप्त करते हैं, जो भक्तों की अंतर मन में आस्था श्रद्धा होती है, जो भक्तों के मन में आस्था श्रद्धा होती है माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, माता उसी में प्रसन्न होकर आप भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करती है, और भगवती सबका मार्गदर्शन करें, सबका कल्याण करें और सभी भक्तों की झोलियां भरें, सदा सुख शांति का वरदान दे। बोलो चरवार की जय हो, जय माता रानी, जय माता दोस्तों। अब जब यहाँ मंदिर के अंदर से सामने देखते हैं तो आपको ये पहाड़ी दिखाई देती है, इस पहाड़ी के बीच में आपको त्रिकुटा पर्वत की चोटी दिखाई देती है, ये वही त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पर माता वैष्णो देवी जी का निवास स्थान है, वहाँ पर उनकी गुफा है, और यही वो जगह है जहाँ से त्रिकुटा पर्वत की चोटी टॉप में दिखाई देती है, जो कि हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इसी स्थान से आप वो जगह देख सकते हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। अब आपसे एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चौहान पोस्ट।